सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं लोगों के लिए लाई जाती है ताकि लोगों को उसका फायदा हो सके। बावजूद इसके कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो फिर जमीन स्तर पर धरी की धरी रह गई। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं सामुदायिक शौचालय। प्रत्येक गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया गया है, लाखों रुपए फूंक दिए गए। बावजूद इसके जब से यह बना है इसका दरवाजा नहीं खुला है। हम एक उदाहरण आपको दिखाने जा रहे हैं, ये है माड़पाल का शौचालय और इसके दरवाजे देख सकते हैं, ये जंग खा चुके हैं, इसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। और ये जो इसके सामने देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक है और यहाँ पर सामने जो है बाजार स्थल। अगर किसी को वॉशरूम जाने की व्यवस्था पड़ गई तो बताइए इन जंगल के तालों को तोड़कर इसमें जाया जाएगा या फिर कहीं और का रुख करना पड़ेगा। आखिरकार क्यों सरकार के द्वारा जब कोई योजनाएं लाई जाती है तो उसका दुरुपयोग इस प्रकार से होता है कि इनका इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा है। तो साफ साफ कह सकते हैं कि शासन के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। आखिरकार क्यों जो है यह बनने के बाद से इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, यह जानने का विषय बना हुआ है। संबंधित विभाग और संबंधित अधिकारी से विषय में बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों जो है लाखों रुपए फूंकने के बाद से इस प्रकार के जो भवन निर्माण किए जाते हैं शौचालय का, सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जाता है और इनका इस्तेमाल ही नहीं हो पाता है। आप लोग कौन से गांव से आए हो? हम ग्राउंड से, कारावन से हैं। आप लोग के पीछे यहाँ पर ये जो सामुदायिक शौचालय ये बंद है, इस पर आप क्या कहेंगे? हम लोग गांव में रहना चाहिए सर। जब हम लोग बैंक में आते हैं ना यहाँ तो दिक्कत होता है बाहर जाने के लिए। अगर दिन भर अगर खुला रहता तो हमारे लिए अच्छा होता, फिर शाम को फिर बंद कर सकते हैं वो लोग, दिन भर खोल देते तो हम लोग को आने जाने के लिए ठीक रहता। तो इस प्रकार जो है महिलाओं का कहना है, ये आसपास के गारावन जैसे गांव से यहाँ पर आए हुए हैं, ये माड़पाल गांव है। संबंधित विभाग से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन्हें बंद क्यों रखा गया है।